యేసు ప్రభు జీ గాతే ఆతే హే తుజ పాస్ జీవన చల కే ప్యాస్ ఈ కహే తో హే ఆస్ జగ जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना 7:37 में पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आए आज परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। हम
जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु तू ही है तारण हम सब गाते मौत को जीत फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में आप सबको प्रणाम। आज के सुंदर समय पर फिर एक बार दर्शकों आप अपने बहुमूल्य समय निकाला परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक आनंद आत्मिक लाभ पाने के लिए आपके जीवन में उन्नति पाने के लिए आपके जीवन में सबसे पहला दर्जा हम किसको दें, सबसे पहले क्या करें, किसकी खोज करें, कैसे जिए, इसको समझने के लिए आप परमेश्वर के वचन के पास टीवी के माध्यम के द्वारा जीवन जल के टीवी की ओर आकर यहाँ बैठने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हमारे जीवन में उन्होंने जितना बहुतायत की आशीष दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके सत्य वचन के लिए, पवित्र शास्त्र के लिए, जीवित परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोले, परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन को संवारे। कई बार इस दुनिया में ऐसी होड़ लगी रहती है, सबसे पहला कौन है, सबसे अव्वल कौन है, हु इज नंबर वन, हु इज फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट, पहला दर्जे का चीज क्या है, पहला कौन है, पहला चीज क्या है, प्रथम क्या है, ये तो सबसे ज्यादा होड़ लगी रहती है। बच्चों को देखिए, वो अपने क्लास में चाहते हैं कि अव्वल दर्जे में रहे, सबसे पहले हो रहे, सबसे आगे वो बढ़े। खेलकूद के मैदान में देखिए, सब लोगों की यही होड़ लगी रहती है कि पहला नंबर प्राप्त करे, स्वर्ण पदक प्राप्त करे। कहीं भी आगे जाकर आप देखिए, अपने अपने नौकरियों में भी सबकी इच्छा यही होती है कि वो सबसे अव्वल रहे, सबसे पहला रहे, प्रथम दर्जे का व्यक्ति बनकर जीना हर व्यक्ति चाहता है। छोटे से बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हरेक की होड़ यही लगी है कि हरेक व्यक्ति प्रथम बने, हर व्यक्ति पहला दर्जे का बने, नंबर वन पे सब आए। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं ओलंपिक के नंबर एक बनना, दौड़ के अंदर सबसे पहले आगे आना, सबसे पहले स्वर्ण पदक जीत कर दुनिया के सामने पहला नंबर का अव्वल दर्जे का एक खिलाड़ी बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहे तो पिछले ओलंपिक के 100 मीटर के दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले उसेन बोल्ट जी से आप पूछ सकते हैं कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की हो। लगातार वो स्वर्ण पदक जीतते आए हैं, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। सिर्फ इस दुनिया के अव्वल में दुनिया के नंबर वन बनने से हमें संतुष्टि मिल सकती है? दुनिया में नंबर वन बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विद्या के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, धनवान बनने के लिए संपत्ति जुटानी पड़ती है, परंतु परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पास अव्वल बनने के लिए प्रथम क्या चीज़ हमें ढूंढना पड़ता है? परमेश्वर के चरणों में हमें अव्वल स्थान में आने के लिए, नंबर वन आने के लिए, प्रथम स्थान में आने के लिए, पहले बनने के लिए क्या चीज़ की खोज करनी पड़ती है? आइए हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन बाइबल से एक वचन आपके सामने रखना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 जिसका पद 33 में पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पढ़े हुए इस वचन पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो।
परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, कहते कि इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म, अंग्रेजी में कहा गया राइचसनेस, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचसनेस, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, उसकी नीतिमत्ता को ढूंढो, नीतिमान परमेश्वर है उसकी धार्मिकता को ढूंढो, तब जो बचे हुए चीज है सब कुछ आपके पीछे दौड़ने लगेंगे। कितना सुंदर सा वचन है। अब आपके जीवन में, हमारे परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप हार चुके हैं, कभी कभी आपको लगता है कि मैं इसके बाद अव्वल दर्जे में या पहले नंबर पर नहीं आ सकता हूं, ऐसे कोई विद्यार्थी टूट चुके हैं, हार चुके हैं, तो आपको एक सुसमाचार हम लाए आज। शायद आप अपनी क्लास में नंबर वन पर अव्वल दर्जे पर नहीं आए हो, कोई चिंता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप नंबर वन नहीं आए हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। इस दुनिया के चीजों के अव्वलता से, इस दुनिया के जगह में आप, इस दुनिया के इस कंपटीशन में नंबर वन आने से ज्यादा परमेश्वर हमें चाहता है कि उनके खोज में नंबर वन हम रहे। बाकी जो वस्तुओं के लिए हम दौड़ लगाकर ऊंचाई पर, बाकी वस्तुओं के लिए नंबर वन जो बनना चाहते हैं, उसका एक कारण है कि इस धरती पर जितने चीजें हैं उनको हम हासिल करें, ऊंचे पद हासिल करें, धन की हासिल करें, संपत्ति की हासिल करें, नाम कमाए, इसी के लिए तो हम अव्वल आना चाहते हैं, इसी के लिए तो हमारी होड़ लगी है कि हम नंबर वन बने। हम आपको बता दें, दुनिया के सारे चीज हासिल करने से ज्यादा परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, नीतिमान रहने के बारे में, परमेश्वर कौन है, उसका राज्य क्या कहता है, इसको अगर आप पहले ढूंढोगे, बाकी सारे चीज परमेश्वर आपके पीछे लगाएगा। कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा वचन है प्रियजनों। कभी कभार हम परमेश्वर को अलग कर देते हैं हमारे जीवन से, कभी कभार परमेश्वर के राज्य को छोड़ देते हैं, कभी कभार परमेश्वर के बातों को भूल जाते हैं और हम दुनिया के हर चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं, दुनिया के कई चीजों के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन बहुत साफ कह रहा है, आप थोड़ी सी समय निकालिए प्रिय दर्शकों, प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, आज हमसे आप अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा समय निकालेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए सबसे पहले कुछ समय निकालेंगे। आपके जीवन में संतान नहीं है, दुखी है, संतान नहीं है, आप चिंतित है, तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सूचित करना चाहेंगे, थोड़ा सा समय आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अव्वल दर्जे में पास नहीं हो पा रहे हैं, कई बार परीक्षा लिखा उसका सही रिजल्ट नहीं मिला, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स लिखा है उसमें से आपको अब तक अच्छे रिजल्ट नहीं आई है, आज परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपसे बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समय सबसे पहले परमेश्वर के लिए दीजिए, थोड़ी देर के लिए सारे काम परे रख, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नमन के लिए, परमेश्वर के वंदना के लिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक, उनको सबसे पहले प्रथम स्थान दीजिए। तब क्या होगा, परमेश्वर का वचन ही लिखा है, इसके बाद जो सब वस्तुएं जिसके लिए आप दौड़ लगा रहे हैं, जो सब वस्तुओं के खोज में जो आप निकले हुए हैं, कई साल निकल गए, कितनी लंबी यात्रा आपकी निकल चुकी है, कई पीछे मुड़ के देखें तो बहुत यात्रा हो गई, बहुत लंबे सफर में आप आ चुके हैं, अब तक हासिल कुछ नहीं किया। आज परमेश्वर के जीवित वचन पवित्र शास्त्र के आधार पर हम परमेश्वर के सेवक बनकर आपको बताना चाहते हैं, जिन चीजों को दौड़ते दौड़ते ढूंढते ढूंढते आप थक गए, एक बार थम जाइए, स्टॉप, वेयर आर यू, परमेश्वर के लिए समय दीजिए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, और हम यकीनन आपको बताएंगे जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को आप ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने की आपको जरूरत, उनके पीछे जाने की, तो जहां आप थंबे हैं वहीं रुकिए, परमेश्वर के राज और उसकी नीतिमत्ता, उसकी धर्मिता को ढूंढिए, बाकी सब चीजें आपके पीछे दौड़ाएंगे परमेश्वर। कितना सुंदर सा वचन है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के काम को न ढूंढे, परमेश्वर के राज्य को न ढूंढे, परमेश्वर के धार्मिकता को न ढूंढकर दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लग जाते हैं, हमारा समय इसी में बीत जाता है। ये मेरा कहना ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही अपने मन से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। हम कभी कभी दूसरों की गलतियों में ढूंढने के लिए, दूसरों को कोसने में, दूसरे क्या करते हैं उनके बारे में सोचते सोचते हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय के पद 5 में ये लिखा हुआ है, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका
भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कितना सुंदर है। पहले क्या ढूंढना चाहिए, पहले क्या निकालना चाहिए, पहले क्या काम करना चाहिए, पहले किस जगह बैठना चाहिए, पहले किस जगह उठना चाहिए, प्रथम स्थान किसको देना चाहिए, प्रथम क्या खाना चाहिए, प्रथम क्या पीना चाहिए, प्रथम कैसा जीना चाहिए, पहले कैसे बोलना चाहिए, पहले क्या देखना चाहिए, इन सब चीज़ का विवरण प्रिय भाई और बहनों इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल जो हमारे पास है, हम आपको बता दें, ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है। इन बाइबल के अंदर से जो हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, इसमें कहता है कि सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, अपने आंखों में जो लट्टा है उसको निकाल दे, अपने आंखों में गंदगी भरी है उसको निकाल दे। कई बार हम क्या करते हैं, अपने आंखों में तो लट्टा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, इतने मोटे मोटे भरे हुए हैं, आगे के भाई के, आगे बैठे हुए बहन के आंखों के तिनके को निकालने की कोशिश करते। इसका मतलब ये हुआ, हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपने बड़े बड़े पापों को छुपाते हैं, अपने बड़े बड़े गंदगियों को छुपा कर, दूसरे छोटी सी कोई गलती करके उसको उंगली उठा के दिखाना शुरू कर देते, उसकी ओर उंगली उठाते हैं, उनको कोसना शुरू करते हैं, उनको लोगों के बीच में लाने तक हमें नींद नहीं आती। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, सबसे प्रथम क्या करना चाहिए, वचन हमें बता रहा है। आज बता दूं आपको, पहले हमें हमारी गलतियों को सही कर लेनी चाहिए, पहले हमें हमारा जीवन सही करना चाहिए, पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, फिर हम औरों की गलतियों को ढूंढ सकेंगे, औरों की गलतियों के बारे में बात कर सकेंगे। जब तक हम न सही हो, हम गलतियों को न करें, हम जब तक हमारे गलतियों में उलझे हैं, तब तक किसी और की गलतियां ना ढूंढें। पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए, प्रथम क्या करना चाहिए। आइए एक और वचन हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर उसी मत्ती रचित सुसमाचार के 19वां अध्याय और पद 30 में यूँ लिखा है, परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले हो गए और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत सुंदर सा वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, वो शिष्यों से बोलते हुए, कई भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी, उन लोगों से जब बातें करते थे, बहुत साधारण रीति से बातें किया करते, उनका जो कहना, उनका जो समझाना, उनका जो लोगों से बात करने का तरीका बहुत साधारण सा था, बहुत सिंपल से बातों में समझाया करते थे। यहाँ कहे कि समय ऐसा आने वाला है, जो पहले है वो प्रथम है वो पिछले हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम परमेश्वर के राज्य को न ढूंढकर इस धरती के, इस दुनिया के कई चीज़ों को अगर ढूंढते हम चले जाएंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में सबसे पिछले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है प्रियजनों, अगर आपके जीवन में आप सिर्फ इस दुनिया के चीज़ों को ढूंढते जा रहे हो, दुनिया के चीज़ों के पीछे दौड़ लगा रहे हो, आज हम आपको बता दें कि आपको प्रथमता परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा। आप लोगों की गलतियों को ढूंढते जा रहे हो तो आप पिछड़ते जा रहे हो, दुनिया की चीज़ों के पीछे दौड़ लगा रहे हो, परमेश्वर के राज्य से पिछड़ते जा रहे हो। जो ऐसे पिछड़ते हैं वे परमेश्वर के राज्य में जब गिनती होगी, परमेश्वर के राज्य में जब होंगे, वो सबसे पिछले होंगे। और हमें लगता है कि अरे ये तो पिछड़े हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत गरीब हो गए, इस दुनिया में जिसको हासिल करा वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और हम आपको यकीनन परमेश्वर के वचन के आधार पर बताना चाहते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रथम होंगे, पहले होंगे। हमें भी आश्चर्य होगा उस दिन, हम भी अपने दांतों तले उंगली दबाकर देखते रह जाएंगे, अरे भाई ये कैसे हुआ, इनके पास तो कुछ नहीं था, ये तो ये दुनिया में हासिल करने के लिए कभी दौड़े नहीं, दुनिया की चीज़ों पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, फिर ये परमेश्वर के राज में प्रथम कैसे हुए। वचन का आधार है प्रियजनों, दुनिया के चीज़ों में उलझ कर दुनिया की प्रथमता को ढूंढने के लिए, दुनिया के पहले अव्वल दर्जे की चीज़ों को ढूंढने के लिए, कहीं आप अपने जीवन में प्रथम स्थान जिसको देना था परमेश्वर को, प्रथम स्थान आपके परिवार में जिसको देना था उसको ना भूल जाए, इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। आपके जीवन में प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। आइए पहले यूहन्ना का एक और वचन हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसका पद 4:19 में यूँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कारण परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कितना सुंदर सा वचन है प्रियजनों, प्रेम करते वक्त हम
ऐसे सोचते परमेश्वर हमें इसलिए प्रेम कर रहा है, शायद परमेश्वर को कुछ चाहिए होगा। और प्रेम करते वक्त हम कभी कभी घमंड करते हैं, नहीं मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कभी कभी लोग तो ऐसे कहते हैं, नहीं मैंने दान दिया इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, नहीं मैंने अपनी संपत्ति को परमेश्वर को दिया इसलिए प्रेम करते हैं, मैंने सोने का मुकुट दिया है, मैंने पैसा दिया है, मैंने घर बनाया है, मैंने मंदिर बनाया है, मैंने बड़े बड़े भवन बनाए हैं। अपने काम किए हुए कामों पर हम सोच कर समझते हैं, हमारे दिमाग लगाते हैं कि इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। बाइबल में एक राजा है, बहुत बड़ा परमेश्वर का भवन बनाना चाहा, बहुत बड़ा परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहा, परमेश्वर ने संतुष्ट नहीं हुआ, कहा अब नहीं बना सकते। हम क्या परमेश्वर को देते हैं उससे परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर रहा। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन के आधार पर बता रहा हूं मैं, पवित्र बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं कर रहा है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम का आधार लिख रहा है, वह परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कितना सुंदर है प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है? क्या आप जानते हैं पाप में डूबे संसार के हर मनुष्य को उसने इतना प्रेम किया ताकि वो अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सूली पर प्राण देने के लिए तक दे दिया। यह प्रथमता है, ये अव्वल दर्जे का काम है, ये नंबर वन काम है, ये पहला काम है। दिस इज व्हाट फर्स्ट गॉड डिड। वी आर लुकिंग अबाउट द फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, पहले 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 क्या है, उन चीज को देख रहे थे हम। हम आपको बता दें, प्रेम करने में सबसे पहला कदम परमेश्वर का है। पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया ताकि हम पापों से छूट जाए, हमें छुटकारा मिले और हम अनंत जीवन पाए। इसीलिए तो यहाँ वचन लिखा है, उन्होंने हमसे प्रेम किया है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। कितना प्रेम किया जिसका कोई विवरण नहीं कर सकते, जिसका कोई अंत नहीं है। इतना प्रेम किया ताकि उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सूली पर प्राण देने तक प्रेम किया। He loved us so much that he gave his only begotten son, अपने पुत्र को देने वाला पिता, अपने आप को मनुष्य बनकर हमारे लिए सूली पर प्राण देने वाला पिता। क्या इस धरती पर जो हमें जरूरत है वो सारे चीज नहीं दे सकता? क्या आपको लगता है कि ये चीजें नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे प्रियजनों, जरूर मिलेंगे। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बोलना चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर से इस वचन के आधार पर परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी हमारे जीवन में आप प्रथम बनकर आइए, प्रभु जी आप हमारे परिवार में प्रथम बनकर आइए, प्रभु जी इसके बाद हमारे जीवन में जो दुनिया के लालचों के पीछे दौड़ लगाते हुए हम आपको भूल गए थे, आज वापिस आना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, कैसा वादा करेंगे प्रभु से आप? प्रभु से कहेंगे कि प्रथम आपको ढूंढेंगे प्रभु, हम रहा भटक गए थे, आज फिर वापिस आ रहे हैं। यदि आप में से कोई उस प्रथमता को परमेश्वर को न देख, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मौत को जीतने वाला उन्हें न जानते हुए कई दुनिया के चीजों में अगर उलझ गए हैं, आज एक मौका है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उनको ढूंढिए, पहले उनको पाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिन्होंने उनको पाया था पहले और आज उनको छोड़ या उनको भूल अपने ही कामों में उलझे हैं, दूसरे के गलतियों को निकालने में उलझे, तो उनसे भी एक वचन के द्वारा हम आपको आगाह करना चाहते हैं। आइए, प्रकाशित वाक्य का एक वचन है जो अध्याय 2 और पद 4 में लिखा हुआ, उस चीज को मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूंगा। इसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है प्रियजनों, अगर आप में से कोई परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ दिया है, एक आरोप लगा रहा है परमेश्वर हम पर, मनुष्य पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि मुझे तुम पर एक आरोप लगाना है, तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है। कौन सा था यह पहला प्रेम? जब हम पाप के कीचड़ में दलदल में फंसे हुए थे, हमारी ओर नजर उठाकर कोई देखना नहीं चाहता था, हमें छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था। उस वक्त परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारी ओर देखा, मनुष्य बनाया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, प्राण दिया और हमें छुड़ाया। यही तो पहला प्यार था। दुनिया हम पर आंख उठा के न देखना चाहती थी, सबसे प्रथम प्रेम वो था। कैसे भूल सकेंगे हम प्रियजनों उस प्रेम को? जिन जिन्होंने इस प्रेम को पाया है उनसे आज हमारी विनती है कि वापस फिर लौट कर आए हैं, उस प्रथम प्रेम के लिए नमन कीजिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु को। इस प्रथम प्रेम को अगर कोई अब तक नहीं पाया है, एक बार प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजर उठाइए और उनसे कहिए कि प्रभु जी हमें वो प्रथम प्रेम चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें पापों से विमुक्ति कर आपका प्रथम प्रेम पाने का मौका दीजिए। ऐसी प्रार्थना आज आपको उस प्रथम प्रेम की ओर ले जा सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए, उस प्रथम प्रेम पाने के लिए, प्रथमता पाने के लिए, अव्वल दर्जा पाने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में प्रथम था, हमारे जीवन में अव्वल बने रहने के लिए, हमारे जीवन में नंबर एक पर आने के लिए आपके बहुमूल वचन के द्वारा हमें सिखलाई देने के लिए धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए हमारे दर्शकों के बीच में प्रथम प्रेम को खोए हुए अगर कोई है तो वापिस उन्हें आपकी ओर ले आ। सूली पर प्राण देकर हमें बचाने वाला वह प्रथम प्रेम की नज़र अगर किसी पर नहीं पड़ी तो आज हमारी प्रार्थना है उन पर आपकी नज़र पड़े, पश्चाताप हो जाए और आपकी प्रथमता को पाए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। जय मसीह की। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना का विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09825807444। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwjb.org। YouTube एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।